पुनिया सीट पर दिलचस्प हुआ चुनाव, नामांकन वापस नहीं लेंगे पप्पू यादव, निर्दलीय ठोकी है ताल। अब क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। सीट शेयरिंग के चलते पुनिया सीट आरजेडी के खाते में आई है। पप्पू यादव ने आरजेडी से सीट छोड़ने के लिए कहा था। उन्होंने संकेत दिए हैं कि वो नामांकन वापस नहीं लेंगे। जी हां, बिहार की पुनिया सीट से पप्पू यादव निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर गए हैं। महागठबंधन में ये सीट राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के कोटे में है। आरजेडी की बीमा भारती सीट से विपक्षी गठबंधन की उम्मीदवार है, लेकिन पप्पू यादव के नामांकन ने महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। पप्पू यादव के नामांकन को लेकर अब तक चुप्पी साध रही कांग्रेस की ओर से अब प्रतिक्रिया आई है। बिहार कांग्रेस ने पप्पू यादव को अल्टीमेटम देते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन वापस लेने के लिए कहा है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि किसी को भी निर्दलीय नामांकन नहीं करना चाहिए। उन्होंने दो टूक कहा कि कांग्रेस आला कमान किसी को भी इन सब चीजों की इजाजत नहीं देता है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने ये भी कहा कि और भी लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस तरह की चीजें एक्सेप्ट नहीं करती है। पप्पू यादव अपना नामांकन वापस ले लें। आपको बता दें कि आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने 3 अप्रैल को पुनिया सीट से नॉमिनेशन किया था। बीमा के नामांकन के अगले ही दिन पप्पू यादव ने बतौर निर्दलीय पर्चा भर दिया। पप्पू यादव ने कांग्रेस के जयकारे लगाए, ये दावा किया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आशीर्वाद से ही नॉमिनेशन किया है। इससे पहले पप्पू यादव ने पुनिया सीट से नामांकन करने का ऐलान करते हुए कांग्रेस से अपने खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की गुहार लगाई थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी के कांग्रेस में विलय का ऐलान करते हुए कहा था कि पुनिया सीट से महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सवाल आता है कि किसके वोटों पर कैची चलाएंगे पप्पू यादव। जी हां, कांग्रेस की ओर से दिए गए अल्टीमेटम के बावजूद पप्पू यादव ने पुनिया लोकसभा सीट से अपना नामांकन वापस नहीं लिया। पुनिया में सोमवार को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख थी और पप्पू यादव मुकाबले में डटे हुए हैं। मजे की बात यह है कि पप्पू यादव को वही कैची चुनाव निशान मिला है जो उनकी जन अधिकार पार्टी का सिंबल था। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार पप्पू यादव किसके वोटों पर कैची चलाएंगे। पप्पू यादव पिछले मार्च महीने में अपनी 9 साल पुरानी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर चुके हैं, मगर उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का वो निर्देश ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने पप्पू यादव से अपना नामांकन वापस लेने को कहा था। पप्पू यादव के डटे रहने से अब पुनिया में त्रिकोणात्मक मुकाबले की तस्वीर उभर रही है। जेडीयू ने इस सीट पर लगातार 2 बार जीत हासिल करने वाले संतोष कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि राजद की ओर से बीमा भारती उम्मीदवार है। अब आखिर क्यों पप्पू यादव ने वापस नहीं लिया नामांकन, आइए जानते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव नामांकन दाखिल करने से पहले ही ये बात कहते रहे कि वो किसी भी कीमत पर पुनिया नहीं छोड़ेंगे। वो कांग्रेस के टिकट पर पुनिया से चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर सीट बंटवारे में पुनिया सीट के राजद के खाते में चले जाने के बाद उनका सपना टूट गया था। उन्होंने 4 अप्रैल को इस सीट पर अपना नामांकन दाखिल किया था और उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। नाम वापसी के आखिरी दिन सोमवार को उन्होंने कहा कि वो निर्दलीय और जनता के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि पुनिया लोकसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। पप्पू यादव ने पहले भी कई बार दोहराया है कि वो मर जाएंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे मगर पुनिया नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने पिछले कई महीने से प्रणाम पुनिया अभियान भी चला रखा है और पुनिया से ही उनके सियासी भविष्य का फैसला होने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें संतोष कुशवाहा की, तो पुनिया में जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा इस सियासी पिच के पुराने खिलाड़ी रहे हैं। संतोष कुशवाहा ने 2010 में पुनिया की 22वीं विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव जीता था और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने इस सीट पर जीत हासिल की है। मौजूदा लोकसभा चुनाव में जेडीयू एनडीए का हिस्सा है और जेडीयू ने एक बार फिर उन्हें पुनिया के चुनावी अखाड़े में उतार दिया है। संतोष कुशवाहा को नीतीश कुमार का काफी भरोसेमंद माना जाता रहा है और इसी कारण संतोष कुशवाहा को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पिछले साल दिसंबर में जब नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को हटाकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली थी, उस समय भी संतोष कुशवाहा ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इस बार भी उन्हें पुनिया में काफी मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।